सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे माफ़ी मांगूंगा कि वीडियो बहुत लेट आई है बीकॉम की, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कुछ जगह पर ये बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर बिजनेस स्टडीज़ के नाम पर भी आता है, और ये वीडियो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है। आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ, लेसन नंबर 8, लीडरशिप, जिसे हिंदी में नेतृत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्त, लीडरशिप जो शब्द बना है वो बना है लीडर से। एक नेता जो होता है उसके नेतृत्व में क्या क्या होता है और बिजनेस से इसका क्या रिलेशन है, आज हम इस चैप्टर को लेंगे। ये चैप्टर आपका दो वीडियो में उपलब्ध है, पहली वीडियो फर्स्ट पार्ट है आज, इसके बाद सेकंड वीडियो जो कल अपलोड होगी उसे भी जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे लीडरशिप होता क्या है और लीडरशिप के आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग, और इसके अलावा इसकी जो और चीज़ें हैं, यानी कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं या फिर इसके जो आपका जिसे कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप, और एक और तरह से नेतृत्व मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, सबसे पहले बात करेंगे कि नेतृत्व यानी कि लीडरशिप होता क्या है। देखिए, प्रबंध जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक अप ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोटिवेशंस, और इसके अलावा आपका कुल मिलाकर कम्युनिकेशंस, ठीक है दोस्तों, उन्हीं में एक पार्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो मेन फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, इट इज़ ए सेकेंडरी पर्सन ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप में कहा जाता है कि ये व्यक्तियों के द्वारा ऐसा काम कराना, अगर आपके अंदर एक नेता वाली भूमिका है, अगर आपके अंदर नेता वाली योग्यता है कि आप लोगों को जोड़ के चलो, लोगों के साथ चलो, लोगों को जो अपने आपके भीतर यानी कि आपके अंडर काम कर रहे हैं उसमें लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम को सौंपना। एक राइटर ने जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है कि नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण में है जिसके द्वारा वे अन्य लोगों को संगठित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें लोगों को जोड़ा जाता है, क्योंकि बिजनेस में, खासकर मैनेजमेंट में, लोगों से काम कराने के लिए उनको ऑर्डर और डायरेक्शन दोनों देने पड़ते हैं, यानी कि आदेश और निर्देश दोनों देने पड़ते हैं। तो एक नेता अपने लोगों के साथ एक नेता की तरह एक मैनेजर को होना चाहिए कि अपने लोगों के साथ जुड़ के चले, उनको उनकी काम के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें काम दे, उनकी हेल्प करे, उनकी पर्सनल लाइफ में भी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऐसे ही दोस्तों एक और रहे हैं लिविंगस्टन, इन्होंने कहा है कि अन्य लोगों से किसी सामान्य उद्देश्य के अनुसार इच्छा को जागृत करने की योग्यता, यानी कि जब आप अपने वर्कर्स के बीच में वो चीज़ पैदा कर सको कि उन्हें लगन हो जाए आपके साथ काम करने की, तो उसे नेतृत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्त, अगर बात करें इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी कि इसकी विशेषताओं की, तो सबसे पहला अनुयायी होना। अगर आपके लोग आपके साथ काम करने को तैयार हैं तो वो आपके अनुयायी हैं, यानी कि वो नेतृत्व आता है। दूसरा है गतिशील प्रक्रिया। जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, ये कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है, स्टेबल नहीं होती, क्योंकि कभी भी आपने अगर अपनी लीडरशिप रोक दिया तो जो वर्कर हैं वो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आदर्श चरित्र, यानी कि अगर आप एक लीडर हो तो आपका खुद का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, जिसका बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हितों में एकता, यानी कि जो आप लोगों के साथ जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, लोगों को फ़ायदा देते हैं, इसमें आपको जी हाँ दोस्त, जो आप लोगों को में हितों में एकता होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक के साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हो और दूसरे को आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है परिस्थिति का ध्यान, कि जिस भी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो इस आपसे आपको नहीं समझना चाहिए, उनकी परिस्थिति को ख़राब नहीं करना चाहिए। और लास्ट आता है आपका कि जो आपका रियलिटी जो दृष्टिकोण है आपका, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपका सही होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। तो ये एक नेता यानी कि नेतृत्व लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आता है कि फंक्शंस ऑफ लीडरशिप क्या क्या होते हैं, कि अगर आप एक लीडर हैं तो आपके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्त, ये वीडियो स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश मीडियम तो काफ़ी कुछ मिल जाता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं, दैट्स वाई मैंने चैनल उन सबके लिए बनाया है। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि सेटअप मैंने अब तैयार कर लिया है अपना, प्रॉब्लम सेटअप में ही हो रही थी, अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। सबसे पहला फंक्शन होता है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो आपके मोटिव्स हैं उनको बनाना चाहिए एक लीडर को, और फिर उन मोटिव के बेसिस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, संगठन, लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ के चलिए, ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज करने के बाद लोग स्टेबल होकर आपके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट, समन्वय, कोऑर्डिनेशन आपको लोगों के साथ बनाना चाहिए, वो एक अच्छे नेता के काम होते हैं। ऐसा नहीं जो हमारे देश के नेताओं के हालात हैं आजकल,
कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसके विरोध में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अगर आप अपने वर्कर्स को, अपने अनुयायियों को मोटिवेशंस देंगे तो वो काम अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। इसके बाद है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के और ये सारे पार्ट हैं लीडरशिप के। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सारे फंक्शंस अपनाने चाहिए। कंट्रोलिंग, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके साथ करने वाले हैं, उन काम करने वाले हैं, उनको कंट्रोल करना, वो चाहे बाय कुक एंड बाय द हुक कोई कैसी भी हो सकता है, उनको कंट्रोल करिए। और ऐसे ही गाइज, अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या क्या होती हैं, तो थ्री टाइप्स की लीडरशिप्स होती हैं। एक होती है तानाशाही, जिसे हम ऑथोक्रेटिक भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्त, ऑथोक्रेटिक लीडरशिप वो होती है तानाशाही, जो अपना हुक्म चलाए, जो आपकी ना सुने, अपने वर्कर्स की नहीं सुनता, लेकिन अपनी अपनी चलाता है, ऐसे करिए वैसे करिए, वो ऑथोक्रेटिक कहलाता है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, जिसे हम जनतांत्रिक कहते हैं। इसमें लोगों को एक अपने भाई के नाते साथ में रखते हैं, अनुयायियों को लीडर यानी कि मैनेजर, और सबकी सलाह लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर सबकी सलाह लेंगे, सबकी राय लेंगे और सजेशंस सबके लेंगे, और किसी को भी प्रॉब्लम है तो उन्हें बराबर का दर्जा देके उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। जैसे कहते हैं जनतांत्रिक, या फिर जिसे हम, जी हाँ दोस्त, जिसे हम डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं। एक होता है स्वतंत्रात्मक। स्वतंत्रात्मक में क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं फ्रीडमली। अब इसमें लोगों को पूरी छूट दे दी जाती है, तुम अपने स्टाइल से काम करो, मैं तो बस लीडर हूँ आपका, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो भी गलत है। अगर वो लोग बिगड़ गए या गलत करने लगे तो लीडर होने का आपका क्या रोल है। तो ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नुकसानदायक हो सकती है एक बिजनेस के लिए। उसके बाद एक आता है कि अगर ये हम डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने तीन बताया आपको, एथोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्रीडमली। अगर ये तीनों में सबसे बढ़िया लीडरशिप कौन सी है, डेमोक्रेटिक, जैसे हमारा भारत देश जो है जनतांत्रिक देश है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो नेतृत्व है, जो आपका लीडरशिप है, वो भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इनके लोगों को साथ में लेके चलना, उनकी बातें सुनना, उन्हें सुनाना, उनकी राय लेना, सलाह लेना, और ऐसे जनतांत्रिक नेतृत्व को। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे होते हैं कि जो लोग हैं वो आपके साथ मिलके काम करते हैं, लोगों में उत्साह बना रहता है, ठीक है ना दोस्त। और जो लोग हैं वो सक्रिय रूप से आपके साथ रहते हैं, और प्रबंध के कार्य में भी वो आपका भाग देते हैं, आपकी सहायता करते हैं। और ऐसे जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो नेता होता है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला कहलाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि जो जनतांत्रिक है उसमें डिसीजन लेने में देरी होती है, क्योंकि सबकी सलाह लेनी है तो डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। ऐसे ही जो अधीनस्थ हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो वो बचाना चाहते हैं अपने आप को कि हम जिम्मेदार ना बने, इससे कि वो अच्छे से काम भी नहीं करते। ऐसे ही कोई और अगर विचार विमर्श करना है तो उसमें जितने लोग होंगे उनकी उतनी सलाह आएंगी, जो हो सकता है कि गलत हो जाए। क्योंकि अगर हम 10 बंदों से किसी बात की सलाह लेते हैं तो 10 राय आते हैं, और किसी ने तो ये कहा कि 11 सलाह आती हैं, एक एक्स्ट्रा भी आ जाती है, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्त, ये टॉपिक था आज का, और अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि एक जो इफेक्टिव नेता होता है, इफेक्टिव लीडर होता है, उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए एक प्रभावी नेता के रूप में। और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, यानी कि सिद्धांत लीडरशिप के क्या क्या हैं, अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने।